हेलो एवरीवन, मैं हूँ सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहाँ हम लोग देख रहे हैं सी प्रोग्रामिंग, या फिर ऐसा भी कह दीजिए जहाँ हम लोग सीख रहे हैं सी प्रोग्रामिंग। और सी प्रोग्रामिंग के आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लूप्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला बात, लूप्स क्या होता है? तो देखिए, जब भी कोई कोड को हम लोग बार बार रिपीट करवाना चाहते हैं तो हम लोगों को ज़रूरत पड़ता है, हम लोगों को आवश्यकता होता है लूप का। अब C++ में तीन प्रकार का लूप होता है, मतलब तीन लूप होता है, एक होता है वाइल, एक होता है आपका डू वाइल और एक होता है आपका फोर लूप। और हर एक लूप में आपको कुछ चीज़ चाहिए, जैसे कि लूप को कहाँ से शुरू करना है उसके लिए आपको एक स्टार्टिंग वैल्यू चाहिए। उसके बाद में फिर आप किस कंडीशन के बेस पे अपना लूप को चलाना चाहते हैं उसके लिए कंडीशन चाहिए। फिर जो आप वैल्यू लिए है, ये जो आपका स्टार्टिंग वैल्यू है वो जो लिए है, मान लीजिए कि i = 1 है, तो इस वैल्यू को आप हर एक लूप के बाद में आपको चेंज कराना होता है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ चेंज वैल्यू या फिर अपडेट वैल्यू। आप ऐसा चेंज शब्द मज़ा नहीं आ रहा तो आप बोल सकते हैं कि अपडेटिंग द वैल्यू। ठीक है, तो जैसे कि ये i था तो मैं यहाँ पे i = i+ कर दूँ, तो हर एक लूप जब भी लूप होगा तो क्या होगा, i का वैल्यू 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब रहा सवाल यहाँ पे कंडीशन, तो कंडीशन कुछ इस प्रकार से, अगर हम लोग दे कि i का वैल्यू <= 5 होगा तभी ये लूप होगा। तो जाहिर सा बात है, अगर i का वैल्यू 1 है और हर एक लूप में i का वैल्यू इंक्रीमेंट हो रहा है तो क्या होगा, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 और 5 के बाद में क्या होगा, जब ये 6 होगा तो लूप हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है ना, और इन सब के बीच में एक चीज़ तो मैंने बताना ही भूल गया आपको कि कंडीशन दिए हैं हम लोग, लेकिन कंडीशन के बाद अगर कंडीशन ट्रू होगा तो वो क्या करेगा, अगर कंडीशन ट्रू होगा तो जो हमारा बॉडी ऑफ द लूप होगा, बॉडी ऑफ द लूप होगा, उसके अंदर में जो कोड लिखा हुआ रहेगा वो एक्सिक्यूट होगा, अदरवाइज एक्सिक्यूट नहीं होगा। मतलब 1 में होगा, 2 में होगा, 3 में होगा, 4 में होगा, 5 में होगा, मगर 6 में स्टॉप हो जाएगा क्योंकि हमारा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। और इसी प्रकार से सारा लूप में वही काम करता है, मगर डू वाइल में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। डू वाइल में डिफरेंट इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये जो कंडीशन है ये बॉडी ऑफ द लूप से पहले नहीं होगा, बॉडी ऑफ द लूप से बाद होगा। ठीक है, मेरा बात सुनिए, जब हम लोग फोर लूप देखेंगे तो फोर लूप में क्या होगा कि पहले बॉडी ऑफ द लूप आएगा और उसके बाद में फिर कंडीशन चेक होगा। ठीक है ना, अब चलिए A1 by 1 हम लोग लूप देखते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूँ, दैट मीन्स मिटा देता हूँ। अब देखिए करना क्या है मेरे को, 1 से लेके 5 तक मेरे को प्रिंट करवाना है। अगर नॉर्मल वे में अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं तो आप सबको पता होगा कुछ इस प्रकार से लिखना होगा, जैसे कि प्रिंट एफ लिखना होगा और इसके अंदर में मैं क्या करूंगा, मैं 1 लिखूंगा, है ना, और इसको मैं बंद कर दूंगा। ठीक है, एंड देन फिर इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, फिर यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, फिर यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, फिर यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ और उसके बाद में फिर यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ और फिर यहाँ पे मेरे को 2 लिखना होगा, फिर मेरे को यहाँ पे 3 लिखना होगा, फिर मेरे को यहाँ पे 4 लिखना होगा, फिर मेरे को यहाँ पे 5 लिखना होगा और उसके बाद अगर मैं इसको अभी रन करूँ तो देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा। ये एक ही लाइन में आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने स्लैश एन का प्रयोग नहीं किया था। ठीक है ना, कोई बात नहीं है। अब इसी को लूप के थ्रू मैं 1 से लेके 5 तक प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे एक स्टार्टिंग वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ start
VALUE वैल्यू, इतना लंबा नहीं रख के मैं सिर्फ स्टार्ट ही ले लेता हूँ और उसके बाद इसका वैल्यू मैं दे देता हूँ 1। देन अब यहाँ पे आ जाएगा मेरा वाइल और फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इस ब्रैकेट के अंदर में हम लोग देंगे कंडीशन। तो यहाँ पे कंडीशन मैं दे देता हूँ कि स्टार्ट का वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू 5 होगा तो हमारा लूप जो होगा, ये देखिए अब ये जो हो गया ये पार्ट हो गया बॉडी ऑफ द लूप, ये जो मैंने कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज किया ये हो गया बॉडी ऑफ द लूप। तो अगर कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो बॉडी ऑफ द लूप हमारा चलेगा, मतलब उसके अंदर जाएगा और उसके अंदर में जो भी कोड होगा वो एक्सिक्यूट होगा। अब अंदर में क्या करेंगे, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए सिंपल मैं जो स्टार्ट का वैल्यू है वो प्रिंट करा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब स्टार्ट का वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए क्या हो करना होगा मेरे को, यहाँ पे मैं प्रिंट लिख रहा हूँ, प्रिंट एफ लिखना होगा ना, हाँ। यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोगों को परसेंट डी लिखना होगा, फिर कॉमा और उसके बाद में स्टार्ट। देन यहाँ पे अब आई का वैल्यू, स्टार्ट का वैल्यू, नॉट आई का वैल्यू सॉरी, तो स्टार्ट का वैल्यू जो है उसको मेरे को इंक्रीमेंट करवाना होगा हर बार 1 में, मतलब बढ़ाना होगा। तो यहाँ स्टार्ट इज इक्वल टू, अगर मैं स्टार्ट प्लस 1 लिख दूँ तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको एक बार मैं रन करा देता हूँ और फिर मैं एक बार समझा दूंगा। तो इसको जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे हम लोग स्लैश एन लिख देते हैं और उसके बाद अगेन इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ, तो देखिए 1 2 3 4 5 आ रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ हो क्या रहा है वो भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल था स्टार्ट, उसका वैल्यू क्या था, 1 था। अब यहाँ पे गया वो कंडीशन चेक किया, अब यहाँ कंडीशन में क्या चेक कर रहा है, बोल रहा है कि भाई स्टार्ट का वैल्यू क्या 5 से छोटा है। तो आप गौर करिए स्टार्ट का वैल्यू 1 है और 1 जो होता है वो क्या होता है, लेस देन 5 होता है, मतलब क्या हो रहा है, कंडीशन ट्रू हो रहा है। जैसे कंडीशन ट्रू हुआ तो ये जो लूप था हमारा यहाँ पे क्या हुआ, 1 प्रिंट करवा दिया और फिर क्या किया, आई का वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गया। आई का वैल्यू मैं बार बार बोल दे रहा हूँ सॉरी, क्योंकि मेरा अब ज़्यादातर लूप में आई लेके हम लोग करते हैं ना, हम लोग वेरिएबल क्या लिए, स्टार्ट लिए, क्या लिए है स्टार्ट, तो हम लोग को स्टार्ट बोलना होगा। तो यहाँ पे स्टार्ट जो मेरा वेरिएबल है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट का वैल्यू क्या है हमारा, स्टार्ट का वैल्यू है अभी 1 और इसमें प्लस 1 हो जाएगा, तो ओवरऑल स्टार्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर ये घूम के फिर यहाँ जाएगा भाई, फिर यहाँ पे चेक करेगा अभी कितना वैल्यू स्टार्ट का, 2। तो अभी ये 2 जो होता है ये भी तो 5 से बड़ा होता है ना, तो क्या हो जा रहा, ट्रू हो जा रहा। ट्रू होगा तो क्या होगा, फिर से ये जो कोड था हमारा प्रिंट वाला जो था ये रन होगा, और ये रन होगा तो फिर क्या प्रिंट कर देगा भाई, 2 प्रिंट हो जाएगा और फिर से जो स्टार्ट का वैल्यू 2 था वो इंक्रीमेंट हो जाएगा बाय 1। तो स्टार्ट का वैल्यू तो 2 था ना, अब उसमें 1 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। एंड अगेन फिर क्या होगा, फिर से ये जाएगा यहाँ पे और फिर चेक करेगा, तो अभी यहाँ पे ये 3 है, 3 भी तो 5 से छोटा होता है, तो फिर ये ट्रू हो गया और फिर यहाँ पे क्या होगा, 3 प्रिंट हो जाएगा और फिर स्टार्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्टार्ट का वैल्यू अभी 3 है और उसमें 1 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और फिर से ये यहाँ जाएगा और फिर से कंडीशन चेक होगा, अभी स्टार्ट का वैल्यू 4 है और 4 क्या 5 से छोटा होता है, जी हाँ होता है, तो फिर क्या होगा, ये ट्रू मिल गया तो फिर से ये लाइन प्रिंट होगा प्रिंट, और यहाँ कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसके बाद में फिर स्टार्ट का वैल्यू क्या हो जा रहा है, फिर स्टार्ट का वैल्यू यहाँ पे 4 + 1 हो जा रहा है, मतलब कि 5 हो जा रहा है, और 5 हो जा रहा है तो फिर से यहाँ जाएगा कंडीशन में चेक करेगा, तो अब कितना है, 5 है और 5 जो है वो लेस देन, और देखिए यहाँ पे इक्वल टू, तो यहाँ पे लेस देन वाला साइन को मैं हटा देता हूँ, अभी क्या होगा, ये तो इक्वल टू 5 है, ये हाँ ट्रू है, ठीक है। तो ट्रू है तो क्या होगा भाई, ये फिर से प्रिंट कर देगा 5 को, और 5 को प्रिंट करने के बाद में फिर से स्टार्ट का वैल्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा, 5 + 1 हो जाएगा,
दैट मीन्स 6 हो जाएगा, और 6 होने के बाद में फिर से जब कंडीशन चेक करने जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग क्या दिए थे, लेस देन दिए हैं और इक्वल टू दिए हैं, तो 6 जो होता है ना ही 5 से छोटा है और ना ही 5 के बराबर है, तो इस कारणवश यहाँ पे हमको मिलेगा फॉल्स और हमारा लूप हो जाएगा स्टॉप, STOP स्टॉप। तो आई होप कि ये जो वाइल लूप था ये समझ में आया होगा, और जैसे वाइल लूप काम कर रहा है उसी प्रकार से फॉर लूप भी काम करेगा, है ना, और डू वाइल भी वैसे ही करेगा, लेकिन मैंने आपको दोनों का फ़र्क बता दिया था कि डू वाइल में कंडीशन जो होगा वो बॉडी ऑफ द लूप के बाद आएगा, ठीक है। अब सेम चीज़ हम लोग डू वाइल में भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनको मैं हटा देता हूँ, और अब देखिए मेरे को यही प्रोग्राम को अगर डू वाइल में करना है तो मेरे को क्या करना होगा, मेरे को ये जो कंडीशन है ना वाइल के साथ, इसको यहाँ से बस कट करना होगा, इसको यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा, यहाँ पे मेरे को टर्मिनेटर देना होगा, मतलब इस प्रकार से हम लोग जो देते थे वो देना होगा, और बस यहाँ पे मेरे को डू लिखना होगा, यहाँ पे मेरे को डू लिखना होगा और कुछ भी नहीं करना है। अब बस मैं इसको अगर रन करके दिखा दूँ तो सेम वही काम होगा जैसे अभी वाइल में हो रहा था, ठीक है। मगर दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि वाइल में कंडीशन पहले चेक होता है। देखिए जब हम लोग वाइल लूप कर रहे थे तो ये वाला पार्ट जो था कंडीशन वाला पार्ट वो टॉप में था, और जब हम लोग डू कर रहे हैं तो ये कहाँ पे है, ये नीचे है, बस यही फ़र्क है। और इस फर्क के वजह से क्या होगा, इस फर्क के वजह से क्या होगा वो भी मैं आपको दिखा दूँ कि देखिए वाइल लूप में, डू वाइल में अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट का वैल्यू 11 कर दूँ, यहाँ पे स्टार्ट का वैल्यू 11 है, और अगर आप कंडीशन देखेंगे तो ये पहला बार में ही हमको फॉल्स दे रहा है, मतलब ट्रू नहीं हो रहा है, मगर फिर भी इसको अगर मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे 11 प्रिंट हो रहा है, भले उसके बाद नहीं प्रिंट होगा, मगर एक बार बॉडी ऑफ द लूप एक्सिक्यूट हो जाएगा क्योंकि कंडीशन नीचे लिखा हुआ है। और यही चीज़ अगर मैं आपको वाइल में दिखाऊँ, मतलब यहाँ से मैं इसको हटा दूँ और यहाँ पे इसको मैं पुट कर दूँ और उसके बाद इसको मैं हटा दूँ, और अभी अगर मैं इसको रन करूँगा तो कुछ भी हमको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, कुछ भी यहाँ प्रिंट नहीं हो रहा है। दैट इज़ द कॉमन डिफरेंट बिटवीन वाइल एंड डू वाइल, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि वाइल लूप में कंडीशन पहले चेक होता है, ठीक है, इसीलिए अगर कंडीशन फर्स्ट टाइम ही में ही फॉल्स हो जाए तो हमारा बॉडी के अंदर में जो भी कोड लिखा हुआ रहेगा वो एक्सिक्यूट नहीं होगा। मगर डू वाइल में क्या होता है कि कंडीशन नीचे होता है, जिसके कारण चाहे कंडीशन ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, मतलब अगर फॉल्स भी हो तो एक बार तो एक्सिक्यूट होगा ही, क्योंकि कंडीशन जो होता है ये जो वाइल है ये आपका नीचे होता है, और डू मतलब करो पहले यहीं पे बोल दिया जाता है, तो पहले क्या होता है ये वाला बॉडी हमारा एक्सिक्यूट हो जाता है और उसके बाद में यहाँ कंडीशन चेक होता है, ठीक है। तो आई होप कि आप सबको डू और वाइल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग फोर समझ लेते हैं। अब फोर में क्या होगा, फोर में देखिए क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे पहले फोर लूप लिख दूँ फिर मिटाऊँ तो ज़्यादा अच्छा है। फोर में यहाँ मैंने लिखा फोर, अब ये जो पार्ट है ना ये वाला पार्ट, इसको मैं पूरा कट करके यहाँ डाल दे रहा हूँ, देखिए ठीक है ना, इसको यहाँ से हटा दे रहे, मतलब फोर में ब्रैकेट के ही अंदर में हम लोग यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं वेरिएबल का। उसके बाद फिर कंडीशन देखिए यहाँ पे जो कंडीशन था ना ये यहाँ पे ही मैं दे दूँगा STRT स्टार्ट और लेस देन इक्वल टू 5। उसके बाद में फिर अब ये लाइन जो था ना यहाँ पे स्टार्ट, तो ये वाला लाइन भी हम लोग यहीं पे दे देते हैं STRT स्टार्ट इज इक्वल टू STRT स्टार्ट प्लस वन बस, और इसको मैं हटा देता हूँ, देन कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। तो जो वाइल लूप में हम लोग क्या कर रहे थे, अलग अलग देना दे रहे थे, वो हम लोग फोर लूप में क्या होता है कि हमारा एक ही लाइन में हो जाता है, ठीक है ना।
और उसके बाद में यहाँ पे मैं लिख दूंगा print printf, देन ब्रैकेट ओपन क्लोज, देन परसेंट डी फिर स्लैश एन एंड देन कॉमा और एसटीईआरटी स्टार्ट। और अभी अगर मैं इसको एक्सिक्यूट करूँ तो मेरे को सेम रिजल्ट देखने को मिलेगा वन से लेके, अच्छा यहाँ पे एक, अच्छा यहाँ पे हम लोग 11 लिखे ना, हाँ इसको वन कर देते हैं तो देखिए वन से लेके 5 प्रिंट होगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आप सबको लूप समझ में आया होगा, वाइल लूप, डू वाइल, फोर। और कोई भी डाउट है, नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट करिए, ठीक है। और दूसरा चीज़ है, अगर आप कमेंट नहीं भी किए हैं तो इसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स जब देखेंगे ना तो और अच्छा तरह से लूप हम लोग का क्लियर होगा, ठीक है। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, और फर्स्ट टाइम आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।